हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। यहाँ दोस्तों टैली प्राइम, हम टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड पे हो, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भाउचर। आइए हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भाउचर है क्या। भाउचर्स टाइप में तो हमें ढेर सारे भाउचर्स देखने को मिले थे, अदर भाउचर में जाकर के कंट्रा भाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, परचेज रिसीप्ट, रिसीविंग जर्नल, सेल्स जो कि अकाउंटिंग भाउचर में आते थे, इन्वेंटरी में जो आते थे, मटेरियल इन मटेरियल आउट, फिजिकल स्टॉक जर्नल, ऑर्डर भाउचर में आते थे जॉब वर्क इन ऑर्डर एंड जॉब वर्क आउट ऑर्डर। टोटल अकाउंटिंग और इन्वेंटरी मिला के टोटल 18 भाउचर थे, जिसमें हमने आपको वर्क करना बताया और उस वाउचर में एंट्री करना बताया एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब एक और ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। आइए हम जाने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर है क्या, इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा ये वाउचर के ऑप्शन में नहीं आता है। तो पहले हम जाने मैन्युफैक्चरिंग है क्या, फिर मैं बाद में क्रिएट करना बताऊंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर, इट विल परफॉर्म टू रिकॉर्डिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और आइटम। इसमें वैसे प्रोडक्ट और आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है जो बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आइए इसके लिए हमें ये वाउचर खुद से क्रिएट करने होंगे। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए हम आएंगे वाउचर्स पे, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स से कीबोर्ड पे भी प्रेस करें या फिर इंटर प्रेस करके। यहाँ से हम आएंगे F10 पे, F10 में अदर वाउचर्स होते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग वाउचर नहीं है। तो यहाँ हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक न्यू वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। इंटरफेस करके आगे बढ़ेंगे। अब सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर तो सिलेक्ट किया और क्रिएट किया, बट इसे सिलेक्ट किस में करेंगे। जैसे हमारा परचेज का परचेज होता है, सेल्स का सेल्स ही होता है, डेबिट क्रेडिट नोट का सेल हुआ, डेबिट नोट का परचेज होता है, इसी तरह हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर को किसके अंदर डालेंगे। तो हम उसे डालेंगे स्टॉक जर्नल के अंदर। यहाँ स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करके इंटरफेस करेंगे। स्टॉक जर्नल का जो शॉर्टकट नेम है वो यहाँ आ गया। अब है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, आप इस वाउचर टाइप को एक्टिवेट करते हैं, तो यस करके आगे बढ़े। अब पूछ रहा है आपसे कि मेथड ऑफ नंबरिंग, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, कि आप ऑटोमेटिक ऑन रहने देना चाहते हैं या फिर ऑटोमेटिक ओनली ओवरराइड करते हैं या फिर मैनुअल रहने देते हैं या फिर मल्टी यूजर ऑटो या फिर ना। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए ऑटोमेटिक एंड देन आगे बढ़ते हैं। आगे है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस, अगर ये आपको यस रखने हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ते हैं। यूज इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर एंड अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, इसकी ऑप्शंस में बाद में आपको अनेबल करना बताऊंगी। देन हम इंटरप्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अलाउ नरेशन इन वाउचर, यस रहेगा, आपको नरेशन लिखने हैं इस वाउचर्स पे, तो यस रहने दीजिए। यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आप इस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का यूज करना चाहते हैं, यस कर दें। एंड ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज वगैरह ऐसा करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर का प्रिंटिंग चाहते हैं तो यस करके आप यहां से इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप यहां सर्च बार में सर्च करके देख सकते हैं कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर जो ओपन किया है वो है या नहीं है। सर्च बार में सर्च करते हैं
एम लिख के तो यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन है वो इनएक्टिव है, जिसे हम शो इनएक्टिव करके देख सकते हैं, जो कि हाइड किया हुआ था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर जो कि क्रिएट किया हो यहाँ पे आ गया। हम कीबोर्ड से ऑल्ट 7 प्रेस करके इस वाउचर पे आ सकते हैं। ये हमने इस वाउचर को ओपन किया। अब यहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर में सारी डिटेल्स डाल के इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेने होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जिस जिस फीचर्स को अनेबल किया था वो सारे फीचर्स यहाँ हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, बैच नेम, एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल, लोकेशंस, क्वांटिटी, ये सब हम यहाँ डालेंगे एंड देन हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक न्यू वाउचर ओपन हो रखा है। हमने प्रिंट वाले ऑप्शंस पे यस किया था तो ये प्रिंट वाले मोड पे ओपन हुआ है। आइए हम एक एग्जांपल लेके इस वाउचर में एंट्री करके देखते हैं। तो हमने यहाँ ये ऑप्शंस प्रोडक्ट नेम ले ले रहे हैं, एक एग्जांपल हमने ले रखा है बी सेलरॉन 233 MX, जो कि हमारा फिनिश गुड्स है और वो कैटेगरी कंप्यूटर कैटेगरी का है, जिसका बिल्स ऑफ मटेरियल हमारा है 30 पीस, और ये हमारे आइटम है CP233 PCM B, एंड वो हमारा गोडाउन, हम जिस गोडाउन से परचेज कर रहे हैं उस गोडाउन का नाम है बड़ा बाजार पटना, और क्वांटिटी हमने 30 पीस डाली है। तो इसी एग्जाम्पल को हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर में क्रिएट करते हैं। यहाँ हम न्यू प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारा था बी सेलरॉन नहीं है तो हम यहां से क्रिएट कर लेते हैं। इंटर प्रेस करके आएंगे नीचे, जो कि हमारा फिनिश गुड्स है, ये हमारा रॉ मटेरियल नहीं है, फिनिश गुड्स है। तो हम एक फिनिश गुड्स की ग्रुप तैयार कर लें। यूनिट पीसेस में है, और अब मेंटेनेंस इन बैच एंड अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, यस करना है तो कीजिए, अदरवाइज हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा नाम आ गया। अब लोकेशंस, लोकेशंस हमने लिया था बड़ा बाजार पटना, ये हम डाल दें यहाँ पे। ये भी हमें क्रिएट करने होंगे। प्रेस करके हम इसे एड्रेस डाल दें, देन हम इसे एक्सेप्ट कर लें। क्वांटिटी हमारी 30 पीस है। अब ये क्वांटिटी हर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भाउचर में नहीं आएगा। जब हमने जर्नल भाउचर को मैन्युफैक्चर क्रिएट कर रहे थे तब हमने वहां बिल्स ऑफ मटेरियल की जो ऑप्शंस थी उसे यस किया था, इसके वजह से ये क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है। अब आइटम जो हमारा है वो हम डाल दें यहाँ पे, जो आइटम थे हमारे CP233 लोकेशन हमारा बड़ा बाजार पटना, क्वांटिटी हमारी 30 पीस, रेट हमारा आ जाएगा जो हमने यहाँ दिया है एग्जाम्पल में वो हम डाल देंगे।
किस रेट से हमें वो परचेज करने हैं। नेक्स्ट हमारा था पीसीएमबी, जो कि हमें क्रिएट करने होंगे। अंदर हमारा आ जाएगा फिनिश गुड्स, पीछे इसमें ले लेंगे ये हमारा था बड़ा 50 लोकेशन से, ये भी हमारे 30 पीस है। इसकी रेट है 5 रुपये। हम नेक्स्ट साइड भी सेम एंट्री करेंगे, को प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट ट्रक। इसमें है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट अलोकेशन, अगर हमें कोई डिस्काउंट वगैरह कॉस्ट पे मिल रहा है तो वो हम डालेंगे, अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ इसकी क्वांटिटी डाल दें। इस तरह नेक्स्ट हमारा था, या फिर हम यहाँ पे परसेंटेज डाल दे रहे, मान लेते हैं कि हमें यहाँ 2% मिल रहा है, तो ये हमें जो यहाँ पे पीसेस थे उसकी कैलकुलेशन करके दे। नेक्स्ट हमारा था पीसीएमबी, ये भी हमारा बड़ा बाजार से है, रिफ्लेक्ट किया, इस पे हम परसेंटेज दे दे रहे हैं 3%। हमारा एंट्री आ गया, अंदर हम इसे एक्सेप्ट कर ले, जो भी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन टाइप ऑफ एडिशनल परसेंटेज वगैरह यहाँ हम लिख सकते हैं एंड ऑफ लिस्ट के नीचे, और एंड ऑफ लिस्ट हमारा ये जाएगा किस में, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारा ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में हम कंप्यूटर डाल दे रहे हैं, परसेंटेज हमारा टोटल था 5%, वो हम डाल दिए। एंड देन जो हमारा नेट कैलकुलेट अमाउंट आ गया वो आ गया, जो भी और एडिशनल वगैरह देना है वो आप दे करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट इतना आ गया, इफेक्टिव कॉस्ट इतना है, एंड ऑल लोकेशन प्राइमरी आइटम पे इतना, एंड देन इफेक्टिव रेट प्राइमरी आइटम ये, और जो हमें नरेशन लिखने हैं वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है। हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम नरेशन लिख सकते हैं, बी शॉलरन including in manufacturing voucher of finished goods to temperature. Allow total discount 5%. इस तरह से नरेशन लिख के इसे कंट्रोल से। अब जैसे ही हमने वहां पे प्रिंट की जो ऑप्शंस अनेबल किए थे, तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भाउचर की जो हमें प्रिंट चाहिए वो कौन सा टाइटल चाहिए, टाइटल में क्या लिखा होना चाहिए, प्रिंटर
जो है वन नोट फॉर विंडोज, कौन से विंडोज है आपका सिस्टम पे, उस विंडोज से हमें प्रिंट आउट निकालनी है। पेपर का साइज हम डाल देंगे कि कितने बड़े साइज में निकालना है या फिर कितना छोटा साइज में निकालना है। प्रिंट की जो एरिया होगी वो हम डाल देंगे कि हमें प्रिंट किस टाइप से निकालना है, कितने एमएम में कितना लेंथ लेना है उसका, नंबर ऑफ कॉपीज कि हमें कितने कॉपीज उसकी निकालनी है। 1 2 3 4 आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड देन यहाँ से कॉन्फिगर एंड प्रीव्यू एंड देन प्रिंट करके, जैसे ही हमने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। वापस हम स्केच की से बाहर जा करके हमने जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर प्रिंट थी कि वो हम देख उसमें देख सकते हैं जो हमने एंट्री अभी की है। ये हमारा रहा डिजिटल रन 233 MB। इससे हम राइट क्लिक करके भी हम यहाँ सारे ऑप्शन इसके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या इसमें डाले हैं, इसकी पूरी डिटेल्स देखनी है तो हम इससे डबल क्लिक करके यहाँ ओपन करके जो चेंजेस वगैरह करना है वो भी कर सकते हैं। से बाहर जाके हम गो टू पे भी वाउचर रिपोर्ट में जा करके भी जो हमने एंट्री की है वो भी हम देख सकते हैं। आपने सीखा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर में एंट्री करना और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर हम कैसे क्रिएट करेंगे एंड हम किस तरह से इसकी बिल्स क्रिएट करते हैं और किस तरह से इसका प्रिंट आउट निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।